ये देखिए हमको लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए, देखे लखनऊ के कानपुर के आसपास जो ब्लॉक हैं जो कानपुर से लगते हैं, एक तो उनकी लिस्ट दे दें आप। तो परसों जो है ना, हमने 2 तारीख को एक तो कन्नौज की और दूसरा तिरवा की ये लिस्ट भेजी थी, ये कानपुर नज़दीक पड़ते हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो विलेज अफेक्टेड हैं जहाँ पे बुखार कैसे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल भिजवाइए लखनऊ लैब के लिए। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से, उसमें से कल रात को एक केस पॉजिटिव आया है जिसका नाम है दशरथ सनाफ असरफी लाल, उसकी उम्र 45 साल। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले ये गया था कानपुर में शिवराजपुर में, वहाँ पे एक गाँव है कासामऊ, तो वहाँ पे एक रात रुका था ये। उसके बाद से वहाँ से आया तो इसको 30 तारीख को खांसी जुकाम बुखार की शिकायत हुई, कल ये पॉजिटिव आ गया है। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि इसके ब्लड में वो निगेटिव आया, लेकिन इसका पेशाब जो यूरिन सैंपल गया था वो पॉजिटिव आया है। जो पेशाब में पॉजिटिव आएगा इस तरीके से वो 3 हफ्ते तक रहते हैं, लेकिन अभी पेशेंट सही है बिल्कुल, क्योंकि 30 तारीख को उसको दिक्कत हुई थी, अभी मरीज बिल्कुल सही है। आज उसके परिवार में 4 लोग सैंपल ले लिया, उसी गांव से 19 लोगों के सैंपल आज भिजवा रहे लखनऊ। सर, इसे बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये जो मच्छर जो होता है ना, जो डेंगू का मच्छर होता है, वही मच्छर यही होता है एडीज एजेप्टी, जिसके काटने से डेंगू होता है उसी काटने से ये भी होता है। लेकिन इसका जो है ना इफेक्ट ज़्यादातर गर्भवती माताओं में होता है, उसमें अगर कोई मच्छर काट लेता है तो उनको जो है ना जब बच्चा पैदा होता है तो वो विकलांग होता है या उसका सर बहुत बड़ा होता है, ये इफेक्ट उसमें हो जाते हैं। बाकी तो इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पैरासिटामोल गोली दे दो, बुखार उतारते रहे बस। क्या नाम है सर इस वायरस का? एडीज एजेप्टी, जो डेंगू का मच्छर है ना वो दिन में काटता है, वही इसका मच्छर है। जीका वायरस के नाम से? जीका वायरस।